अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने सब्सक्राइब कीजिए मेरे ख्याल में अब जो आरएसएस और बीजेपी करने जाएगी कुछ और इकदाम भी लेंगे ताकि मुसलमानों की जो है मुसलमानों को डिस्करेज किया जाए कि वो एक से दो से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें क्योंकि आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने दबे दबे अल्फाज में ये कह दिया है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो इसको एक लिहाज से बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए क्या दो हज़ार चौबीस में भी यही लगता है कि वो इलेक्शन जीत ही जाएँगे और फिर दो हज़ार उनतीस में क्या होता है वी डू नॉट नो लेकिन लगता यही है कि बीजेपी पूरी तैयारी में क्योंकि ऐसा तो और कोई अपोज़िशन है नहीं और बीजेपी और आर एस एस का एजेंडा बड़ा क्लियर है ख़ास तौर तो पर आर एस एस का वो तो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई पाबंदी लगाई जाए और यहाँ तक भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस फैमिली में दो से ज़्यादा बच्चे पैदा हों उनको गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं मिलनी चाहिए जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मुसलमानों के हाँ दो से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो फिर उनको गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं मिलेंगी एक तरफ तो ये एक कतकंद लगाई जा रही है और इस तरीके से ताकि जो मुसलमान पहले ही बेचारे आ, बुरी हालत में उनको मज़द उनकी हालत को ख़राब किया जाए लेकिन ये योगी योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया आ, उसमें बड़ा क्लियर मैसेज है मुसलमानों के लिए कि हम आपको बस चौदह फ़ीसद आप हैं तो आप यहीं रहेंगे और आप अगर आपकी आबादी बढ़ेगी तो ओबली आप, आपको हम तालीम के मैदान में मुआशी अकतदी मैदान में ऑबियसली आप आ, हम आपको हर्ट करेंगे वो तो खैर अभी भी हर्ट कर ही रहे हैं लेकिन फिर ज़्यादा ज़्यादा फोर्सफुली मुसलमानों को हर्ट किया जाएगा यू एन की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल आ, भारत जो है वो आ, उसकी आबादी दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी होगी और चाइना को भी चाइना से भी आगे निकल जाएगा तो भारत में अब एक डिबेट शुरू हो गई है और आज मैं देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने दबे दबे अल्फाज में ये कह दिया है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो इसको एक लिहाज से बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कहने का मकसद ये है कि इन डायरेक्ट वो यही बता रहे हैं कि मुसलमानों के यहाँ आबादी ज़्यादा बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो जो मेजॉरिटी है हिंदू जो हैं या सिख बरदरी है या जो और माइनॉरिटीज़ हैं उस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके साथ क्योंकि अगर ये ही मामला रहा तो फिर मुसलमान ये ना हो कि 2050 में जब भारत की आबादी जो है वो 1.6 बिलियन होगी तो कहीं मुसलमानों की आबादी 14-15 फ़ीसद से 20 फ़ीसद ना हो जाए तो अब ये एक मामला है अब देखना ये है कि आरएसएस और बीजेपी और लगता तो यही है कि बीजेपी ने भी हुकूमत करनी है 2024 हज़ार में भी यही लगता है कि वो इलेक्शन जीत ही जाएंगे और फिर दो में क्या होता है वी डू नॉट नो लेकिन लगता यही है कि बीजेपी पूरी तैयारी में क्योंकि ऐसा तो और कोई अपोजीशन है नहीं और बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बड़ा क्लियर है ख़ास तौर तो पर आर का वो तो यही आ, कहना चाह रहे हैं कि भाई पाबंदी लगाई जाए और यहाँ तक भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस फैमिली में आ, दो से ज़्यादा बच्चे पैदा हों उनको गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं मिलनी चाहिए जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मुसलमानों के हाँ दो से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो फिर उनको गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं मिलेंगी एक तरफ़ तो ये एक कदगन लगाई जा रही है और इस तरीके से ताकि जो मुसलमान पहले ही बेचारे बुरी हालत में उनको मज़ीद उनकी हालत को ख़राब किया जाए तो ये इस किस्म की प्रोपोज़ल अब सामने आ रही हैं और आगे अब देखते ये हैं कि होता क्या है मुसलमान किस तरह अपने आप को जो एक ऑन स्लॉट है हिंदुत्व का किस तरह उसको उससे बचाते हैं क्योंकि मुसलमान भी एक लिहाज से तकसीम हैं वहाँ पे और ये हमेशा हर मुल्क में यही हम देखते रहे हैं तो मुसलमानों को कुछ सही इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि अब ये जो है इस रिपोर्ट को ही लेकर मेरे ख़्याल में अब जो आरएसएस और बीजेपी करने जाएगी कुछ और इकदाम भी लेंगे ताकि मुसलमानों की जो है मुसलमानों को डिस्करेज किया जाए कि वो एक से दो से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें देखिए जहाँ तक आ, अगर ये आप आप्रॉस द बोर्ड इस कस्म के मैचर्स लेते हैं फिर तो ठीक है इसमें तो कोई आ, कोई इस, इसकी उसके मेरिट से इंकार नहीं कर सकता पाकिस्तान में भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है इन देंस के जो भी थोड़ा बहुत हमारी इकनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसको ऑफ कर देती है जो पॉपुलेशन ग्रोथ है पापोलेशन ग्रोथ हमारी दो फीसद से ज़्यादा है तो जिसका मतलब ये है कि हमें इकनॉमिकली हर साल अगर हम आठ से नौ या दस फ़ीसद ग्रो नहीं करते तो फिर हम सही मानों में तरक्की की मनासिल तय नहीं कर पाएंगे और यही इस वक्त हमारे साथ हो रहा है और अब पिछला एक जो इस वक्त स्टेट बैंक की जो प्रोजेक्शन है वो यही है कि हमारी जो ग्रोथ रेट अगले साल होगा तीन से चार फीसद के दरमियान होगा बहुत जो बहुत कम है अगर हमारी आप पॉपुलेशन ग्रोथ को देखें तो भारत अगर एक बोर्ड करता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर सिर्फ़ एक कम्युनिटी को टारगेट करता है ख़ास तौर तो पर मुसलमानों को तो इसमें ओबियसली बहुत से खदेश पैदा होते हैं और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि मुसलमान तो वैसे ही ऑन द डिफेंसिव है जहाँ तक भारत का ताल्लुक है गो के असदुद्दीन अवेसी साहब जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से उन्होंने उसको काउंटर किया है योगी आदित्यनाथ के रिमार्क्स को लेकिन आ, ये स्टेटमेंट देना तो हो जाता है लेकिन भारत मुसलमानों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और भारत के लिए भी एक लमह फिक्रिया तो है क्योंकि अगर आबादी इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से अगर भारत हो जाएगा अगले साल लेकिन इकनॉमिक डिवेलपमेंट उस तरह नहीं है जिस तरह के होनी चाहिए आ, ठीक है आठ फीसद से आठ फ़ीसद ग्रोथ हो रही है बट दैट इज़ नॉट एनाफ और क्योंकि चाइना को हमने देखा कि उन्होंने बड़े सस्टेंड तरीके से पिछले तीस पैंतीस सालों में बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ की इसी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं लाखों करोड़ों के लिहाज से लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाला लेकिन भारत में भी वो मामला नहीं है भारत में पर कैपिटल इनकम अभी भी तकरीबन आप कह लीजिए इक्कीस सौ बाईस सौ डॉलर के, के, के करीब है तो मसाइल बेशुमार हैं मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं अभी तक वो है जो जो गर्बत जो है जो उसके जो लकीर है उससे नीचे हैं तो इस वजह से बहुत इश्यूज हैं भारत के भी तो लेकिन ये योगी योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया आ, उसमें बड़ा क्लियर मैसेज है मुसलमानों के लिए कि हम आपको बस चौदह फ़ीसद आप हैं तो आप यहीं रहेंगे और आप अगर आपकी आबादी बढ़ेगी तो ऑबियसली आप, आपको हम तालीम के मैदान में मुआशी अत मैदान में ओबियसली आप हम आपको हर्ट करेंगे वो तो खैर अभी भी हर्ट कर ही रहे हैं लेकिन फिर ज़्यादा Uh, ज़्यादा फोर्सफुली मुसलमानों को हर्ट किया जाएगा